फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सब साथ में शेयर करने वाली हूँ मीशो से एक और शॉपिंग का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों, मीशो जो है एक रीसेलिंग ऐप है जहाँ से आप रीसेलिंग कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, साथ साथ आप खुद के लिए भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। दोस्तों, मीशो से जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उन सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्राइस भी मिल जाएगी। और इनकी जो प्राइस और स्क्रीनशॉट है वो मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। अगर आपने मीशो पे अभी तक साइनअप नहीं किया है दोस्तों, तो आप मेरे दिए गए लिंक से अगर आप साइनअप करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% से लेके 100 रुपीज तक का बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें कि आपने साइनअप नहीं किया तो प्लीज मेरे दिए गए लिंक से ही साइनअप करें। पहला जो कुर्ता मैंने लिया है, ये जो कुर्ता है ये एक लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता है। दोस्तों, ज्यादातर जो कुर्ताज एंड कुर्ता सेट्स है ये कॉटन फैब्रिक के हैं, कुछ रेयन के हैं, बट ज्यादातर मैंने कॉटन के लिए हैं। तो ये जो है कॉटन की कुर्ती है और ये जो है ग्रीन एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी थ्रेडवर्क करी हुई है नेक पे, राउंड नेक दिया गया है इसमें। एंड मैंने जो साइज लिया है एक्सेल साइज लिया है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा थ्रेडवर्क करा हुआ है कुर्ती में। इसका जो कलर है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है, ग्रीन एंड व्हाइट कलर के शेड में ये कुर्ती है, जो कि समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, खास करके डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट कुर्ती है। यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिलेगी, बैक साइड से सेम पैटर्न रहेगा कलर का। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, साइड में आप देख सकते हो एक पॉकेट भी आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हो कुर्ती पे, यहाँ पे साइड में एक पॉकेट दिया गया है। तो बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है एंड ये ऑफिस वगैरह के लिए डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छी है, कॉटन फैब्रिक की कुर्ती है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई अच्छी सी प्यारी सी कॉटन की कुर्ती तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ती। दोस्तों, ये जो है कुर्ती ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कॉटन की कोई अच्छी सी कुर्ती लेनी है तो आप इस कुर्ती को परचेज कर सकते हो। मैंने इसमें जो साइज लिया है वो एक्सेल साइज लिया है। तो दोस्तों, इसकी जो स्क्रीनशॉट है एंड प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एक ब्लू कलर का कुर्ता सेट है और ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन का कुर्ता सेट रहेगा। साइज इसके अंदर में मैंने एक्सेल लिया है। तो यहाँ पे आपको ये स्काई ब्लू कुर्ता मिलेगा जिसमें यहाँ पे ब्यूटीफुल से ये थ्रेडवर्क किया हुआ है, यहाँ पे ये रिबन की डिटेलिंग करी हुई है, मिडल में ये बटन्स की डिटेलिंग करी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन का कुर्ता रहेगा विथ 3/4 स्लीव्स। स्लीव्स का यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की कटिंग करी गई है बहुत ही प्यारी सी। बैक साइड से ये जो है बिल्कुल प्लेन रहेगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आराम से पहन सकते हो। मैंने जो है इसको एक्सेल साइज में लिया है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग परचेस कर लेना। और मैं आपको कहूंगी आप एक साइज बड़ा ही परचेस करना तो आपको बेटर फिटिंग मिलेगी। तो बहुत ही प्यारी क्वालिटी का एक कुर्ता सेट है और इसके साथ में आता है इसका ये वाला प्लाजो। और ये कुछ इस टाइप का प्लाजो रहेगा, शेडेड व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर का शेडेड प्लाजो रहेगा, कॉटन फैब्रिक का प्लाजो है। यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक दिया गया है, क्वालिटी जो है प्लाजो की बहुत ही अच्छी है, फ्लेयर आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा फ्लेयर दिया गया है, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट कुर्ता सेट रहेगा। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ता लिया है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का कुर्ता है और ये रेयन के फैब्रिक का कुर्ता रहेगा, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है ये भी और डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही सही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्लीव्स बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत से, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप की रिबन की डिटेलिंग करी हुई है, यहाँ पे पाइपिंग की डिटेलिंग करी हुई है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स रहेगी और बहुत ही प्यारा सा रेयन का ये प्रिंटेड ब्लैक कलर में कुर्ता रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इसको जीन्स के साथ में पहन सकते हो या फिर आप लेगिंग्स के साथ में, प्लाजो के साथ में वेयर कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अगेन साइज जो मैंने लिया है इसके अंदर में एक्सेल साइज लिया है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको अच्छा सा कुर्ता लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ता। तो नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती परचेस करी है, ये जो कुर्ती है ये ब्लू कलर की कुर्ती रहेगी कुछ इस टाइप की, और नेवी ब्लू काइंड ऑफ या ग्रे काइंड ऑफ कुर्ती रहेगी, एक्चुअली ये डार्क ब्लू काइंड ऑफ कुर्ती है। तो यहाँ पे आपको कॉलर नेक मिलेगा और बटन्स की डिटेलिंग करी हुई आप देख सकते हो। तो ये जो है नार्कली नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती रहेगी। तो यहाँ पे आपको साइड में मिलेगा ये वाला पॉकेट और ये जस्ट लुक के लिए दिया गया है, और यहाँ पे भी बटन की डिटेलिंग करी हुई है इस पॉकेट में। तो ये स्ट्रेट कुर्ती रहेगी और बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है, बहुत ही प्यारा लगता है, इसका कलर पैटर्न बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो है ये कुर्ता सेम चेक्स में मिलेगा, फ्रंट साइड में जैसे चेक्स है बिल्कुल वैसे ही चेक्स मिलेंगे। और इसके साथ में जो है रेड कलर का रिबन आया है जिसको यहाँ पे बेल्ट दिया गया है, जिसमें आप
अटैच कर सकते हो और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। लुक जो है इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। क्वालिटी जो है इस कुर्ता की बहुत ही अच्छी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। साइज जो मैंने लिया है वो मैंने एक्सेल साइज लिया है। यहाँ पे आपको जो है एल्बो स्लीव्स मिलेगी दोस्तों, एल्बो स्लीव्स से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, बट 3 फुट नहीं है, ये एल्बो स्लीव्स रहेगी आपकी। तो ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है, अगर आप परचेज करना चाहते हो कोई अच्छा सा रेयन के फैब्रिक का कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता है ये और कॉलर नेक में है, तो अगर आप डिफरेंट कुर्ता परचेज करना चाहते हो देन गो फॉर दिस कुर्ता। नेक्स्ट जो मैंने लिया है दोस्तों, ये मैंने लिया है एक ब्लू कलर की कुर्ती और ये कॉटन की कुर्ती है, बहुत ही प्यारी सी। अगेन इसका जो कलर है समर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट कलर रहेगा। तो इसमें जो है ये कुछ इस टाइप का ये बेल्ट दिया गया जो कि आप यहाँ पे वेस्ट पे लगा सकते। यहाँ पे आपको मिलेगी ये कॉटन की कुर्ती, बहुत ही प्यारी सी। क्वालिटी जो है इस कुर्ती की बहुत ही अच्छी है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, अनारकली पैटर्न में ये कुर्ती रहेगी। एंड पूरी कुर्ती में आपको कुछ इस टाइप के बड़े बड़े चेक्स मिलेंगे जो कि डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट रहती है। और यहाँ पे आपको वी नेक मिलेगा, 3/4 स्लीव्स नहीं है, एक्चुअली ये एल्बो स्लीव्स ही दी गई है, 3/4 से थोड़ी छोटी स्लीव्स है, एल्बो स्लीव्स ही कह सकते हैं, बिकॉज 3/4 स्लीव्स यहाँ तक आती है, तो ये बस यहाँ तक रहेगी। तो ये कुछ इस टाइप की एल्बो स्लीव्स काइंड ऑफ दी गई है। तो कॉटन की कुर्ती है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ये जो वेस्ट में ये बेल्ट दिया गया है, ये लगाने के बाद में जो कुर्ती है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इसको आप जो है जीन्स के साथ में या फिर जैंगीज के साथ में पहन सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। बिकॉज एक तो ये अनारकली है, तो जैंगीज वगैरह के साथ में ये कुर्ती बहुत ज्यादा स्मार्ट लगेगी। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको कोई अच्छी सी कॉटन कुर्तीज लेनी है अफोर्डेबल रेंज में, तो आज के हॉल से कोई भी कुर्तीज आप ले सकते हो, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने ली है दोस्तों, ये एक ब्लैक कलर की कुर्ती है, बहुत ही प्यारी सी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लैक कलर की प्यारी सी कुर्ती है, अनारकली पैटर्न में कुर्ती आएगी। अगेन इसमें चेक्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो बटन्स की डिटेलिंग है दोस्तों। यहाँ पे ये कॉटन की कुर्ती रहेगी, बहुत ही प्यारी सी अनारकली पैटर्न में। अगर आपको कोई अच्छी सी अनारकली कुर्ती चाहिए कॉटन फैब्रिक में, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ती। आपको ये जो है डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड इसकी जो स्लीव्स है आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप की हाई एंड लो पैटर्न में कटिंग करी हुई है, 3/4 स्लीव्स है, कुछ इस टाइप की हाई एंड लो पैटर्न में इसको कटिंग करा गया है, जो कि स्टाइलिश लगता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ये कुछ इस टाइप की अनारकली कुर्ती रहेगी, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में चेक्स बने हुए हैं जो कि खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साइड में आपको जो है कुछ इस टाइप की ये रिबन्स की डिटेलिंग मिलेंगी, दोनों साइड में आपको मिलेंगी, जिसको आप जैसे चाहे वैसे आप स्टाइल कर सकते हो, इसको लुक को इन्हेंस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारी ओवरऑल कुर्ती है, ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती ली है, ये एक वायलेट कलर की कुर्ती है, लाइट वायलेट कलर की आप बोल सकते हो। तो ये भी एक कॉटन की कुर्ती रहेगी कुछ इस टाइप की। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड में यहाँ पे नेक पे जो है एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बहुत ही प्यारी सी। तो ये कॉटन फैब्रिक की कुर्ती है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेल साइज मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे आपको ये थ्रेडवर्क मिलेगा पूरी कुर्ती में, पूरी कुर्ती जो है ये प्लेन रहेगी, बस यहाँ पे नेक पे एक साइड में आपको ये ब्यूटीफुल थ्रेडवर्क मिलेगा। बाकी इसका जो कलर है शेडेड कलर जो है वायलेट कलर का, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे स्लीव्स जो है 3/4 स्लीव्स में आपको यहाँ पे डोरीज की डिटेलिंग मिलेंगी। बाद में जो नीचे की कुर्ती का जो साइड होता है उसमें आपको ये डोरी की डिटेलिंग्स मिलेंगी, जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लगती है एंड खूबसूरत लुक आता है। क्वालिटी जो है कुर्ती की बहुत ज्यादा अच्छी है, कॉटन की कुर्ती है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, धोने पर श्रिंक नहीं होगी। सबसे अच्छी बात इन कुर्तीज की ये है कि ये अगर आप वॉश करते हो तो इनको ये श्रिंक नहीं होगी। तो इनका जो फैब्रिक है कुछ इस टाइप का है, तो पता चल जाता है जो मटेरियल श्रिंक होने वाला है उसका पता चल जाता है हाथ लगाने से ही। तो ये कुछ इस टाइप की कुर्ती रहेगी, एक्सेल साइज मैंने इसको लिया है दोस्तों। तो अगर आपको कोई अच्छी सी कॉटन की कुर्ती चाहिए, तो आज के हॉल में जितने भी कुर्तीज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये सभी बजट के अंदर में कॉटन की कुर्ती है। तो अगर समर्स के लिए, जैसे कि अभी समर्स चल रहे हैं, आने वाले हैं और ज्यादा गर्मियां शुरू होने वाली है, तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती ली है ये येलो कलर में है और ये भी एक कॉटन की कुर्ती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप की स्ट्राइप्स बनाई हुई है और येलो कलर की ये कुर्ती रहेगी कुछ इस टाइप की। यहाँ पे आप देख सकते हो पाइपिंग करी हुई है, बटन्स की डिटेलिंग करी हुई है नेक पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और पूरी कुर्ती में आपको ये बटन्स की डिटेलिंग मिलेगी। फ्रंट स्लिट कुर्ती है ये और पूरी कुर्ती में आपको जो है ये स्ट्रिप्स बनी हुई मिलेंगी। 3/4 यहाँ पे स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी सेम पैटर्न है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा। एक्सेल साइज में ये कुर्ती है और पहनने पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। इसका जो फैब्रिक है कॉटन का, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि कॉटन की कुर्तीज है बट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्वालिटी अमेजिंग है। तो अगर आपको कोई अच्छी सी कॉटन की कुर्ती लेनी है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्तीज।
नेक्स्ट जो कुर्ती मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये ग्रीन कलर की कुर्ती है और इसका जो ग्रीन कलर है ऑलिव ग्रीन काइंड ऑफ इसका कलर है, तो ये भी मैंने एक्सेल साइज में ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल सा यहाँ पे पिंजरा का एम्ब्रॉयडरी बनाया हुआ है, टेसल वर्क करा हुआ है कुर्ती में, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है। और ये जो है कुछ इस टाइप का रहेगा, अंदर में भी फैब्रिक है, ये बाहर में कुछ इस टाइप की कटिंग करके ये कुर्ती को कुछ इस तरीके का बनाया गया है। बहुत ही प्यारा इसमें जो एम्ब्रॉयडरी करी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है इसका। और पूरी जो कुर्ती रहेगी वो प्लेन रहेगी, बस यहाँ पे ये नेक पे ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। बैक साइड से जो कुर्ती रहेगी वो बिल्कुल प्लेन रहेगी, ट्रांसपेरेंट नहीं है फैब्रिक इसका, कॉटन फैब्रिक है बट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। 3/4 यहाँ पे स्लीव्स दिया गया है, स्लीव्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप के फ्रिल काइंड ऑफ या फिर आप कह सकते हो रफल काइंड ऑफ पैटर्न दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इसको खूबसूरत बना रहा है। तो बहुत ही प्यारी कुर्ती है, ओवरऑल एक्सेल साइज में इसको परचेस करा है, हल्का हल्का लूज रहता है बट फिर भी अगर आपको अपनी साइज का चाहिए, फिटिंग अच्छी चाहिए देन डेफिनेटली गो फॉर एक्सेल साइज, आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपकी बॉडी मेरे जैसी है। और नेक्स्ट जो मैंने एटलास लिया है ये एक कुर्ता सेट है बहुत ही प्यारा सा, तो ये पिंक कलर का कुर्ता सेट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ्रॉक्स में जैसे पैटर्न होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बनाया गया है। कुर्ती जो है बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे साइड में आपको थ्रेडवर्क मिलेगा एंड पूरी जो कुर्ती रहेगी प्लेन रहेगी, एल्बो स्लीव्स बनाए हुए हैं यहाँ पे एंड कटिंग आप देख सकते हो स्लीव्स की कुछ इस तरीके की रहेगी। थोड़ी इसको जो लुक को एनहेंस करने के लिए ये वाला कटिंग किया गया है और बहुत ही प्यारी कुर्ती है। बैक साइड से जो कुर्ती रहेगी बिल्कुल प्लेन रहेगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये यहाँ पे थ्रेड का ये वर्क करा गया है, एक साइड में एम्ब्रॉयडरी है एंड एक साइड में ये कुछ इस टाइप का थ्रेड का काम किया गया है। तो बहुत ही प्यारा इसका फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, मटेरियल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपको कोई अच्छा सा कुर्ता लेना हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कुर्ता सेट, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ में आता है इसका शेडेड वाइट में पिंक कलर का शेडेड प्लाजो, तो ये कॉटन का कुछ इस टाइप का रहेगा एंड यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक दिया गया है, यहाँ पे प्लाजो में जो है पॉकेट दिया गया है और प्लाजो का फ्लेयर मैं आपको दिखा दूँ काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये जो है बिल्कुल भी आपको टाइट नहीं होगा, आप इसको आराम से पहन सकते हो, लूज फिट रहेगा और क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। कुर्ता सेट या कुर्ता ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मीशो का शॉपिंग का हॉल वीडियो। ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पे ही आप देखिएगा, जब भी आपके प्लेस में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए तब आप शॉपिंग कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। इनमें से कोई भी कुर्ता या कुर्ता सेट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इन सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मीशो का हॉल, अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।